Hello students, this video is for the 5th class students of Unic Public School, Raya. Students, today we will do chapter 3rd ki exercise 3.3 ka sum number 4. Find LCM of following using division method. So, fourth sum mein hame kya karna hai? 15 or 20 jo ye jo do numbers hain inka hame find karna hai LCM aur method use karna hai division method. So students, जब हम LCM फाइंड करने के लिए डिवीज़न मेथड को यूज़ करते हैं तब हम इन दोनों नंबर्स की एक साथ ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. जैसे मैंने इन दोनों नंबर्स को एक साथ ले लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, 15 एंड 20. ठीक है, तो अब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. तो जब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2. ठीक है, तो जब हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो पहले हम जो देखेंगे, जैसे ये दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स में जो वंस प्लेस पर डिजिट है वो हमें चेक करना है कि अगर वंस प्लेस पर 2 का कोई मल्टीपल हो तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. जैसे 15 में जो वंस प्लेस पर डिजिट है 5, तो 5 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है. इट मीन्स जो 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा. तो इसमें वंस प्लेस पर 0 है, अगर 0 हो वंस प्लेस पर तो ये जो नंबर है पूरा वो 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा. और जब हम डिविजन मेथड यूज़ करेंगे तो उसमें जब हम दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एक साथ, तो कोई एक नंबर डिविजिबल होना चाहिए, दूसरा अगर नहीं होता तो उसे हम नीचे ऐसे ही लिख लेंगे. ठीक है, जैसे मैं 2 से स्टार्ट कर रही हूँ तो 15 2 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा. तो 15 को मैंने ऐसे नीचे लिख लिया, 2 वन ज़ा 2, 0 को ऐसे ही ले लिया नीचे, 2 वन ज़ा 2, 0 को ऐसे भी ले सकते हैं. और अगर आप चेक करें तो देख सकते हैं कि 10 2 ज़ा क्या हो गए, 20. ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी जो नंबर है 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो 15 को मैंने ऐसे ही ले लिया नीचे फिर से, और 2 5 ज़ा 10. नेक्स्ट, अब ये जो दोनों नंबर्स हैं 2 के साथ डिवाइड नहीं होंगे तो सीधा हम 3 पर जाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15. 5 को मैंने ऐसे ही ले लिया, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे ही ले लिया. नेक्स्ट, अब 3 से भी ये डिवाइड नहीं होंगे और ये जो नंबर है 4 के साथ भी डिवाइड नहीं होंगे, सीधा हम आएंगे 5 पर. जब तक हमारा आंसर नीचे 1 1 नहीं आता प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब तक ये प्रोसेस हमारा चलता ही जाएगा. तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम अब हम यहाँ तक ही करेंगे. अब हमें यहाँ पर लास्ट में लिखना है एलसीएम ऑफ 15 एंड 20. तो एलसीएम हमें चाहिए 15 और 20 का इक्वल टू, ये जो सभी प्राइम फैक्टर्स है इन सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. एलसीएम को फाइंड करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60. तो 60 क्या है हमारा आंसर, मीन्स ये है एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 का. तो स्टूडेंट्स, सम नंबर 4 के जितने भी अभी नेक्स्ट पार्ट हैं वो सभी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. अगर यहाँ पर हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं, अगर 3 नंबर्स दिए गए हों तभी भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. बस जब हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे एटलीस्ट कोई एक नंबर, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिविजिबल होना चाहिए. अगर दूसरा बाकी के जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल नहीं होते, डिवाइड नहीं होते, तो उसे हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे. तब तक हम डिवाइड करेंगे, सॉरी, तब तक हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जब तक हमारा लास्ट में आंसर यहाँ पर 1 1 नहीं आता. जब हमारा आंसर 1 1 यहाँ पर आ जाएगा तब हम हमारा जो एलसीएम है उसे हम क्या करेंगे फाइंड करने के लिए, इन सभी प्राइम फैक्टर्स
को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वही होगा हमारा एलसीएम। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।